वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो गाइज, मेरे जैसे आपके पास भी कोई 1 GB या फिर 2 GB वाला रैम का फ़ोन होगा एंड आप उसमें पबजी जैसा एक हेवी गेम को खेलना चाहते हो, वो भी स्मूथली। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आपके पास 1 GB या फिर 2 GB रैम वाला फ़ोन है, उसमें आप कैसे पबजी जैसे हेवी गेम को यहाँ पर स्मूथली खेल पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पर रैम दिखा देता हूँ। सो जाते हैं यहाँ पर मेमोरी सेक्शन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 1.8 GB 1.1 GB इज़ अवेलेबल, यानी यहाँ पर 2 GB का ये फ़ोन है। एंड गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो पबजी मोबाइल में जो खेल रहा हूँ, अभी क्या है कि इंडिया में पबजी बैन है, तो गाइज कैसे इंस्टॉल करना है उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप चाहे तो इस वीडियो का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड गाइस, इस पबजी गेम को खेलने के लिए आपको VPN का जरूरत होगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है VPN 1111। इस ऐप को आप यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर पबजी गेम को बहुत ईजिली खेल पाएंगे। बात करें यहाँ पर गेम पे, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओपन कर चुका हूँ, तो मैं इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो जाते सेटिंग्स पे, उसके बाद ग्राफिक्स पे। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्मूथ पे ले लेते हैं, लेकिन आप चाहे तो बैलेंस्ड पे खेल सकते हो। HDR पे मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप खेलें, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लैग करेगा, ठीक है। फ्रेम रेट पे आप लो पे भी खेल सकते हो एंड मीडियम पे भी आप खेल सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ग्राफिक्स जो है वो बैलेंस रखेंगे एंड यहाँ फ्रेम रेट जो है वो मीडियम रखेंगे, एंड इसको हम लोग गेम प्ले करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लो पे जाएंगे एंड लो पे भी हम यहाँ पर गेम प्ले करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि लो पे आपको यहाँ पर कैसा फ्रेम रेट मिलता है एंड यहाँ पर मीडियम पे आपको कैसा फ्रेम रेट मिलता है, यानी कितना ज़्यादा लैग करता है। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। और गाइस, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो गेम है वो गाइस यहाँ पर किंग कॉन्ग वाला वेरिएंट है, यानी जिसमें गॉडज़िला और किंग कॉन्ग आता है। सो आप चाहे तो इसके रिगार्डिंग में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसका जो लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड बात करें पर स्मूथनेस में, तो गाइस अभी तो फिलहाल कुछ यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो मुझे देखने को नहीं मिला है। एज ऑफ नाउ इट्स वर्किंग फाइन, लेकिन देखते जैसे जैसे गेम यहाँ पर आगे बढ़ेगा इसका क्वालिटी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप ग्राफिक्स का क्वालिटी अंदाज लगा सकते हो। मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं है। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि फ्रेम रेट कितना हमको मिलता है। सो देखते, मैं आपको और एक बार रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पर फ्रेम रेट मीडियम पे रखा हूँ एंड ग्राफिक्स का जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मैंने बैलेंस्ड पे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पर देखते, थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लैग हो रहा है, आपको शायद यहाँ पर पता चल जाया होगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते कहीं लूट तो मिल जाए, शायद इसमें कुछ यहाँ पर मिल जाए, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर शायद कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा माइनर जो है लैग यहाँ पर आप देख सकते। चलिए, उजी मिल चुका है यहाँ पर, इसको भी ले लेते हैं। एक बार दो बार फायर करके देखते हैं, ठीक है, अच्छा है। तो गाइज, मैं अभी तक फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर शायद गेमिंग अच्छे से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक मैं कर पाऊँगा। या फिर अगर आपके पास 1 GB वाला कोई फ़ोन है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। शायद कोई बंदा आया है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जब फायर भी किया तो मुझे लैग तो देखने को मिला, लेकिन अनप्लेबल नहीं है। यही मैं बताऊंगा कि अनप्लेबल आप तो खेल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप खेल सकते हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर मैं मीडियम सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ। अभी यहाँ पर लो एंड जो स्मूथ है वो नहीं किया, यानी स्मूथ ग्राफिक्स एंड लो यहाँ पर फ्रेम रेट मैंने अभी तक नहीं किया। शायद उसमें और थोड़ा बेटर क्वालिटी मिलेगा, बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगा। और मैं फिर से आपको और एक बार बता दूं कि इसके रिगार्डिंग कि कैसे पबजी डाउनलोड करना है, क्योंकि पबजी डाउनलोड आप कर पाते हो लेकिन उसमें इंस्टॉल नहीं हो पाता है ठीक तरह से। सो बस उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ जस्ट यहाँ पर एक हफ्ता पहले, तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हो। उसमें पूरा अच्छे से प्रोसीड्योर बताया। सो इसमें देखते, कोई बंदा शायद यहाँ पर आया है, देख लेते बंदे को भी, ये शायद बॉट होगा। चलिए देखते, सॉरी ये अपना ही बंदा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डोर वगैरह देख लेते,
और एक बात कि गाइज यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना कि आपका इंटरनेट का भी क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मतलब लैग हो रहा है, लेकिन कभी कभी इंटरनेट की वजह से भी यहाँ पर लैग होता है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आप यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी का अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि अगर आप 1 GB या फिर 2 GB रैम वाला वेरियंट में या फिर रैम वाला फ़ोन में आप पबजी जैसे हेवी गेम को खेलना चाहते हो तो गाइज आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बाई सीइंग दिस वीडियो। सो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पबजी एंड उसके रिलेटेड मैं इस चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ, एंड एज वेल एज यहाँ पर जितने भी फ़ोन के अपडेट आते हैं उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। सो थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पर जो चला कर देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पर फ्रेम रेट यहाँ पर मिलता है या फिर मूवमेंट कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर बंदा है शायद, थोड़ा सा मूव करके रोटेट करके देखते हैं यहाँ पर, तो ठीक है अच्छा चल रहा है, लेकिन उतना मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अनप्लेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप खेल सकते हो, ठीक है अनप्लेबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर सपोज़ 6 GB या फिर 8 GB जिसमें रैम है उस फ़ोन में अगर आप आते हो उसमें खेलने के बाद अगर आप आते हो तो आपको थोड़ा सा लैग लगेगा, बहुत ज़्यादा लैग लगेगा एक्चुअली। तो चलिए शायद सामने जो है बंदा है, सो फिर से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मीडियम पे मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी तक लो नहीं किया, लो पे अगर करेंगे तो आई होप कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो और थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है वो भी मीडियम है, उसको भी मैंने लो नहीं किया अभी तक। किसी बंदे को मार देते उसके बाद हम जो ग्राफिक्स का क्वालिटी वो भी लो करेंगे एंड जो फ्रेम रेट है उसको भी लो करेंगे। सो तो आई होप कि आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर कैसा गाड़ी भी चलाएंगे तो कैसा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगा। सो चलिए यहाँ पर दूसरे किसी घर पे जाते, इस गाड़ी का तो जो चक्का है वो तो फट चुकी है पहले से ही, देखते हैं इस घर में क्या है, कुछ मिलता है या नहीं। तो चलिए, तो आई थिंक कि समय आ चुका है कि इसका जो ग्राफिक्स का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, एंड उसके बाद हम देखते, तो जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स पे, उसके बाद ग्राफिक्स पे, अभी यहाँ पर जाते हैं हम स्मूथ ग्राफिक्स पे, उसके बाद जो फ्रेम रेट है उसको हम करते हैं लो, एंड उसके बाद हम करते हैं ओके। चलिए अब देखते, हाँ गाइस फर्स्ट मोमेंट में यही बता सकता हूँ कि कुछ तो चेंजेस मुझे यहाँ पर लग रहा है पहले से, मतलब अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको घुमाते हैं फिर पता चल जाएगा। अपने दोस्त लोगों के पास यहाँ पर जाते हैं। सो मुझे पता नहीं कि आपको यहाँ पर वीडियो में देखकर कितना अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं जब खेल रहा हूँ या फिर मैं जब एक्चुअली ये जो गाड़ी है इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ ठीक तरह से, तो यहाँ पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है पहले से। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप 1 GB या फिर 2 GB आपके फ़ोन में यहाँ पर रैम है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है वो यहाँ पर स्मूथ रखें, एंड जो फ्रेम रेट है उसको आप यहाँ पर लो रखें। ठीक है, कोई शायद यहाँ पर नूब आया है उसको मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा मार देता हूँ, चलिए मारता हूँ उसको। और फायरिंग की जब मैं कर रहा हूँ तो ठीक ठाक अच्छा है, तो पहले से तो बेटर हुआ है यही बताना चाहता हूँ। ठीक, फिर से हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर दोस्त लोगों के पास भाग चलते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं अपने दोस्त लोगों के पास यहाँ पर आ चुका हूँ, एंड गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ। सो आई होप कि आप एक आइडिया लगा पा रहे हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपना जो हरकत है यानी जो मूवमेंट है वो मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बात करें फायरिंग की तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, सो आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड गाइज और एक बात कि ये तो मेरा एक्चुअली मोटोरोला का फ़ोन है, तो क्या होता है कि फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि ये इसमें मोटोरोला के फ़ोन पे यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो रन करता है, लेकिन हो सकता है कि आपके फ़ोन में अगर 1 GB 2 GB रैम है एंड उसमें अगर कोई भी सपोज़ फॉर एग्जांपल रेडमी का फ़ोन, ठीक है, उसमें क्या होता है कि MIUI आता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पर ब्लोटवेयर होता है, उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, तो उसके वजह से भी जो फ़ोन है वो थोड़ा यहाँ पर स्लो लगता है। सो अगर आपके पास 1 GB 2 GB रैम का कोई भी फ़ोन है
उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी या फिर कौन सा स्क्रीन लगा हुआ है, क्या स्टॉक एंड्रॉयड है या फिर क्या MIUI है। जनरली क्या होता है कि स्टॉक एंड्रॉयड में, ठीक है, वैसे यहाँ पर बंदा आया है, नूब है शायद, यहाँ पर ये भी नूब है, इसको मान लेते। जनरली क्या होता है कि अगर आपका सपोज MIUI या फिर कोई भी दूसरा कोई भी स्क्रीन लगा हुआ आपके फ़ोन पर तो थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड में क्या होता है कि जनरली इसमें लैग नहीं करता, ठीक है, स्मूथ चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छलांग लगा रहा हूँ या फिर मैं जंप कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो स्मूथनेस है वो तो भाई अच्छा मिल रहा है। एंड आपको याद दिला दूँ कि मैं यहाँ पर लो पे खेल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं मीडियम पे खेल रहा था तब ऐसा नहीं था, तब थोड़ा सा दिक्कत का फेस करना पड़ रहा था, लेकिन अभी जब मैं लो पे खेल रहा हूँ तब मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करने पड़ रहा है। सो चलिए गाइस, आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसी मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ़।